जय श्री सीताराम। इस बार एक बहुत बड़ी घटना होने वाली है, उसी घटना को लेकर आपको मैं अवगत कराने आया हूं। और क्या उपाय किए जाए, कैसे किया जाए, यह भी मैं आपको बताने वाला हूं। पहले घटना सुन लें। 28 अक्टूबर 2023 को शरद पूर्णिमा है, जी हाँ। लेकिन घटना यह है कि शरद पूर्णिमा को ही चंद्र ग्रहण भी लग रहा है, हाँ जी। और यदि शरद पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण लग रहा है तो शरद पूर्णिमा मुख्यतः मुख्यतः चंद्र महाराज की पूजा या चंद्र महाराज के द्वारा अमृत बरसाया जाता है दूध में, भाई इसी के लिए तो जानी जाती है। हाँ, श्री माँ सरस्वती, श्री माँ लक्ष्मी का ध्यान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन मुख्यतः शरद पूर्णिमा पर हम जो प्रसाद पाते हैं, हम जो प्रसाद लेते हैं, ग्रहण करते हैं, उसका महत्व क्या होता है? उसका महत्व यही तो होता है कि हम चांदनी रात में जो है वो प्रसाद रख देते हैं और चंद्र देवता अपनी अमृतमयी किरणों से, हाँ, रश्मियों से उस प्रसाद में, खास तौर पर दूध होता है तो उस दूध में अपना अमृत बरसाते हैं, और फिर वो अमृत सबको बांटा जाता है, वो अमृत हर कोई ग्रहण करता है। और इससे ये मान्यता है कि उस दूध रूपी अमृत को ग्रहण करके प्रॉस्पेरिटी, समृद्धि, बरकत, धन, वैभव, बौद्धिक कौशल, पारिवारिक शांति और भी बहुत सारी पॉजिटिविटीज मिलती है। हाँ, ये मान्यता है शरद पूर्णिमा पर। तो मुख्यतः तो शरद पूर्णिमा चंद्र देवता जो है, हाँ, चंद्र देवता के लिए ही मनाई जाती है, जिन्हें बहुत ज्यादा कुछ रिचुअल्स नहीं पता है, माँ लक्ष्मी की पूजा, माँ सरस्वती की पूजा, वो चंद्र देवता के सामने दूध रखते इतना तो जानते हो, बच्चे बच्चे जानते हैं कि इस दिन रात में दूध रखा जाएगा, चंद्र देवता अपनी किरणों से इसमें अमृत बरसाएंगे और दूध फिर हम रात में, आधी रात में पियेंगे, है ना। इसलिए शरद पूर्णिमा जानी जाती है। लेकिन अब इस बार चंद्र ग्रहण भी लग रहा है। चंद्र ग्रहण की अवधि क्या है, हालांकि मैं चंद्र ग्रहण पर अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसके बारे में पूरा सूतक काल और सबको समझाऊंगा, लेकिन मोटा मोटा आप समझ लीजिए कि आज चंद्र ग्रहण कब लग रहा है। तो 28 तारीख का पूरा दिन जाएगा, 28 तारीख का पूरा दिन गया, रात हुई रात के 12 बजे, तो आप 29 तारीख लग गई, तो ये 29 तारीख जो लगी, ये जो रात है, इसमें 1 बजे, लगभग 1 बजे चंद्र ग्रहण लगेगा, और लगभग लगभग 2:30 बजे, रात के 2:30 बजे ये चंद्र ग्रहण मुक्त होगा। हाँ, तो भाई इसी समय तो पूर्णिमा है। अब यदि इसी समय पूर्णिमा है और निसंदेह सूतक काल तो 28 तारीख को दिन से ही शुरू हो जाएगा, दोपहर से ही शुरू हो जाएगा, तो इस बीच में क्या आप दूध रखें या फिर ना रखें? हाँ, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। बहुत सारे दर्शक मुझसे प्रश्न कर रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, बहुत सारे लोग तो पर्सनल जब कंसल्टेशन ले रहे हैं तो मुझसे ये प्रश्न कर रहे हैं। तो देखिए, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं है कि इस शरद पूर्णिमा पर, जो मुख्यतः हम जिसे पूर्णिमा कहते हैं, उस दिन दूध प्रसाद चंद्र देवता के सामने नहीं रखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं रखा जाएगा। क्यों नहीं रखा जाएगा? सीधी सी बात है कि चंद्र देवता को ग्रहण लग रहा है। ऐसी स्थिति में हमारे घर में ऑलरेडी, घर के अंदर जो बना हुआ प्रसाद होता है, घर के अंदर जो बना हुआ खाना होता है, भोजन होता है, हाँ, सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण इत्यादि में, वो बना हुआ भोजन भी हम ग्रहण नहीं करते, क्योंकि हम ये कहते हैं कि ये ग्रहण के दौरान ये भोजन रखा हुआ था, ये अशुद्ध हो गया। हाँ, तो ऐसी स्थिति में जब अशुद्ध ही हो गया, तो ऐसी स्थिति में स्पेशल आप कोई प्रसाद चंद्र देवता के सामने ग्रहण पर तो नहीं रख सकते। चंद्र ग्रहण पर चंद्र देवता को खुद को ही परेशानी हो रही है, तो वो चंद्र देवता उस दूध में अमृत तो बरसाने से रहे। तो इस बार चंद्र और राहु की युति बन रही है, ऑब्वियसली चंद्र ग्रहण चंद्र और राहु की युति बन रही है, उस वजह से लग रहा है। तो चंद्र देवता जो है, यदि आप ऐसा करते हैं, मान के चले, कुछ लोग होते हैं, कुछ लोग थोड़े से ऐसे होते हैं कि नहीं, हम तो करेंगे, हम तो हमेशा करते हैं, शास्त्रोक्त तो बात नहीं मानेंगे। तो जो लोग रखेंगे, मैं उन लोगों को कहना चाहता हूं कि यदि आप चंद्र देवता के सामने ग्रहण के दौरान दूध रखते हैं या प्रसाद रखते हैं, तो उस दूध में अमृत नहीं, इस बार विष बरसने वाला है। हाँ जी, विष होगा। तो इस बार आपको प्रसाद नहीं रखना है रात में चंद्र देवता के सामने, मेरी इस बात को ध्यान रखें। निसंदेह हर ग्रहण के अनुसार इस ग्रहण पर भी अपने इष्ट देव या अपना कोई इष्ट मंत्र है या कोई गुरु मंत्र है या कोई मंत्र आपको पसंद है तो उसका जाप करते रहना है चंद्र ग्रहण के दौरान। देखिए, मैं एक बहुत बड़ी बात आपको बताता हूं, चंद्र ग्रहण के दौरान
जी हाँ, चंद्र ग्रहण के दौरान या सूर्य ग्रहण के दौरान लगातार जितनी देर तक वो ग्रहण चल रहा है, उतनी देर तक यदि आप किसी भी एक मंत्र की एक ही जगह पर बैठ करके शुद्ध होकर, हाँ, कपड़े अपने अच्छे पहन करके शुद्ध होकर के एक ही जगह पर आसन पर, जमीन पर आसन बिछा करके बैठ करके, शुद्ध जगह पर बैठ करके यदि उसकी माला का जाप करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध होता है। हाँ जी, कोई सा भी मंत्र हो, मंत्र सिद्ध होता है और वो आगे चल के आपको प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि देता है। तो यदि इस बार भी आप करना चाहें रात के 1 बजे से लेकर के 2:30 बजे इस बीच में, तो बिल्कुल आप कीजिए। यदि आपको लगता है कि नहीं बहुत लेट हो जाएगा, हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट शरद पूर्णिमा के जो रिचुअल्स हैं वो नहीं मनाए जाएंगे, क्योंकि महालक्ष्मी माता जी का भी आरती होता है, पूजा पाठ होता है, लेकिन चूंकि सूतक काल रहेगा शाम के वक्त, तो पूरा मंदिर जो है, खासतौर पर वैष्णव मंदिर, तो सारे ही बंद रहने वाले हैं, है ना, इस दिन या इस शाम में, इस रात में। तो एक चीज तो ये हो गई कि भाई इसमें दूध नहीं रखना है। अच्छा, दूसरी बात ये कि फिर शरद पूर्णिमा के जो रिचुअल्स होते हैं वो कब किए जाए? तो देखो, नेक्स्ट डे किए जा सकते हैं, अगले दिन किए जा सकते हैं। जैसे चंद्र देवता ग्रहण से मुक्त हुए और अगले दिन की रात, मतलब 29 तारीख का दिन गया और 29 तारीख की अब जो रात आई है, इस रात में आप वो रिचुअल कर सकते हैं। हालांकि मेरा मानना तो ये है कि दूध आप उस रात में भी ना रखें, लेकिन जो पूजा पाठ होती है, चंद्र देवता को जल चढ़ाना, ये आप कर सकते हैं। साथ ही साथ महालक्ष्मी माता जी के मंदिर भी जाया जाता है इस दिन। महालक्ष्मी माता जी से प्रॉस्पेरिटी समृद्धि की कामना की जाती है, तो बिल्कुल श्री महालक्ष्मी या श्री लक्ष्मी नारायण जी के मंदिर जाए। लक्ष्मी नारायण मंदिर नहीं तो राधा कृष्ण माँ, राधा माँ लक्ष्मी ही है, माँ सीता श्री माँ लक्ष्मी ही है, तो उनके मंदिर में आप जाए और सीताराम के मंदिर में जाए और वहां जाकर के उनके दर्शन आप इस दिन जरूर से करें। एक बात और ये भी होती है कि घी का दिया भी इस दिन लगाया जाता है। चूंकि इस समय तो कुछ दिया भी नहीं लगाया जाएगा, खासतौर पर ये अपने ग्रहण के दौरान या शरद पूर्णिमा मुख्य जिस दिन है वो, लेकिन नेक्स्ट डे आप चंद्र देवता के सामने घी का दिया जरूर आपको लगाना चाहिए। अच्छा, चंद्र देवता को अगले दिन जब ग्रहण छूट जाएगा तो अगले दिन की रात में चंद्र देवता को आपके पास यदि चांदी का लोटा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो स्टील के लोटे में जल, शुद्ध जल और दूध, गाय का कच्चा दूध मिला करके थोड़ा सा उसमें सफेद फूल रख करके, और ये चंद्र देवता, जैसे सूर्य देवता को कैसे अर्घ्य देते हैं ना, ऐसे चंद्र देवता को अर्घ्य देना है आपको, और चंद्र देवता को दिया बताना। जैसे करवा चौथ पर महिलाएं कैसे दिया बताती है, ऐसे आप पुरुष हो, महिला, बच्चे हैं आपके साथ, वृद्ध हो, जो भी हो, आप चंद्र देवता को दिया बताएं और उनकी जो है वो आरती उतारें, उनकी जो समस्याएं, देखिए ग्रहण के दौरान जो चंद्रदेव है या सूर्यदेव है, इन्हें कष्ट पहुंचता है, कष्ट पहुंचता है। आरती उतारने का मतलब है आपको जो कष्ट पहुंचा है वो कष्ट आपको ना मिले, या आरती उतारने का मतलब है आपके ऊपर कोई नजर ना लगे। आरती का मतलब ही हमें समझ नहीं आता। हाँ, आरती का मतलब बस लेकर के जो है वो खड़े हो जाते हैं, ऐसा नहीं होता। आप किसी की नजर उतारते हैं ना किसी चीज से, आरती उतारने का मतलब ही वो होता है, नजर उतारना। हाँ, तो इस प्रकार से चाहे ऐसे 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 कीजिए, चाहे ऐसे ऐसे कीजिए, क्लॉकवाइज, जैसा भी करना हो। कई जगहों पर आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों से जो है वो किया जाता है, कभी कभी दिया लिया जाता है, कभी कभी ऐसे 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 दिए को किया जाता है, कभी कुछ और चीज होती है उससे कभी ऐसे ऐसे उतारा जाता है ना। तो आरती उतारने का मतलब है उनकी नजर उतारना। हम भक्त हैं, हम भक्तों के कई सारे भाव हैं, हम भगवान की नजर उतार सकते हैं यदि हमारा भाव उनके प्रति माता पिता का भाव है या फिर अपनत्व का भाव है, तो आरती का मतलब ही ये होता है, कई सारे लोग जानते नहीं है। तो नेक्स्ट डे आपको उनकी नजर उतारना है चंद्र देवता की, और चंद्र देवता के लिए प्रभु से, परमात्मा से प्रार्थना करना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चंद्र देवता के लिए परमात्मा से ये प्रार्थना करना है कि हे प्रभु, हे परमात्मा, जिन्हें भी आप मानते हैं, श्री भोले बाबा बोलिए, क्योंकि सोमनाथ तो शिव शंकर भगवान है, श्री राम जी बोलिए, श्री कृष्ण जी बोलिए, है ना, श्री विष्णु जी बोलिए, हे प्रभु आप चंद्र देवता के जो कष्ट हैं उन्हें हरिए। इवन आप ये ग्रहण के दौरान भी अपने परमात्मा से प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु श्री सोम या फिर श्री कृष्ण, श्री चंद्र देवता के जो कष्ट अभी उन्हें मिल रहे हैं उन्हें आप हरण कीजिए, उनके कष्टों को दूर कीजिए, आप ये प्रार्थना कर सकते हैं। और ये प्रार्थना निसंदेह चंद्र देवता तक भी पहुंचेगी, आपके परमात्मा तक भी पहुंचेगी। आज तो चंद्र देवता कष्ट में है, लेकिन कल आपको चंद्र देवता बहुत अच्छे फल देने वाले हैं, देखिएगा। क्योंकि कष्ट में जिसने साथ दिया, कष्ट में जिसने हमें समझा, उसको हम आगे चल के बहुत ज्यादा
अच्छा मानते हैं और उसके लिए हम खड़े रहते हैं हर स्थिति में। यदि आप कष्ट के दौरान चंद्र देवता के लिए परमात्मा से प्रार्थना करते हैं तो परमात्मा चंद्र देवता के कष्टों को कम करके चंद्र देवता भी ये याद रखेंगे कि इस व्यक्ति ने मेरे लिए प्रार्थना की थी, आप समझे। तो शरद पूर्णिमा इस बार वैसे तो नहीं मनाई जाएगी, फिर भी रिचुअल्स नेक्स्ट डे इवनिंग में 29th की रात में किए जा सकते हैं, लेकिन ग्रहण के दौरान बिल्कुल भी आप ना करें। बाकी ग्रहण कब है, कैसा है, क्या अवधि रहेगी, क्या सूतक रहेगा, कहाँ दिखेगा, यह पूरा विस्तार से आप यदि जानना चाहते हैं तो आपको मैं अलग से एक वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलेंगे आने वाले वीडियोज में। तब तक के लिए आज के इस वीडियो आपसे विदा चाहता हूँ। जय श्री सीताराम।